boil water, tap here. तो ये मैंने इसमें पानी डाल दिया है, एक ग्लास के करीब मैंने पानी डाल दिया है। अब इसमें मैं ये स्ट्रॉ डालूंगी, ये गाय को हम लोग घास खिलाते हैं ना, वो स्ट्रॉ है ये। अब ये स्ट्रॉ मैंने इसमें डाला है। सो नाउ आई विल स्टार्ट विद द दो ग्लास व्हीट फ्लोर फर्स्ट। अब व्हीट फ्लोर में मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली है, क्योंकि बहुत जन को एसिडिटी ये तो प्रॉब्लम रहती है, तो अजवाइन डाली थोड़ी। थोड़ा सा मैंने पिंच सॉल्ट, नॉट मोर देन अ पिंच ऑफ सॉल्ट। दिस इज घी व्हाट आई एम कुकिंग नाउ। और अब ये मिक्स करके इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। थोड़ा आटा टाइट लगाना है, नरम आटा नहीं लगेगा इसे। ये देखो मैंने आटा लगा दिया है। This looks like a donut. See, ये डोनट की तरह लग रहा है। इसको देखिए मैं इसके अंदर डाल दू, स्ट्रॉ जो कुकर में स्ट्रॉ डाला है उसके अंदर रखी हूँ। ये बाजरी का ढोकला बना रही हूँ। बाजरी के आटे में मैंने नमक डाला है थोड़ा सा, इसमें भी मैं सब में ढोकला में मैं घी डालूंगी, और बहुत जन इसमें सोडा भी डालते हैं, दैट इज योर विश। ये बाजरी का ढोकला। मैं ढोकला का ढोकला बना रही हूँ। ये मोट का आटा है, मोट जिसको महाराष्ट्र में मटकी बोला जाता है। दिस इज मोट, दिस इज बेसन, थोड़ा बेसन डालना है मैंने इसमें, और थोड़ा गेहूं का आटा डालना है। ये इसमें मोट का आटा, बेसन, गेहूं, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची और हल्दी, और थोड़ा सा साबुत धनिया को मैंने क्रश करके रखा है, तो मैं थोड़ा सा साबुत धनिया डालती हूँ। अब इसमें मैं ये फोगला डाल दूँ और ये घी डाल रही हूं मैं इसमें। ये देखिए फोगला का ढोकला। इसमें अपने को चाहिए हम लोग धनिया पत्ती ये सब डाल सकते हैं, कसूरी मेथी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, दैट इज अवर विश। मेरे बेटे को पसंद नहीं, वो खाना खाएगा तब ये खाएगा, तो उसके लिए मैंने कुछ नहीं डाला इसमें। अब ये जो मोगर है ना, अब मोगर का मैं ढोकला बना रही हूं। मोगर का ढोकला भी गेहूं के आटे में ही बनेगा। ये देखिए गेहूं का आटा, मोकर, नमक, हल्दी, मिर्च, थोड़ा सा क्रश धनिया और घी, ये सब डाल के मैं अब इसको मिक्स कर रही हूं। ये हो गया मोकर का ढोकला। अब ये ढोकले के ऊपर ये जितना स्ट्रॉ पड़ा है मैं वो स्ट्रॉ डाल रही हूँ। ये देखो इसको पूरा कवर कर दिया मैंने स्ट्रॉ से, और मैं मीडियम फ्लेम में ये कुकर चढ़ाऊंगी। 15 मिनट तक ये कुकर में बॉईल होता रहेगा। ये मैंने सही को घोटा है। मैं इसके लिए तड़का बना रही हूँ। वजन फोगले में प्याज ये सब डालते हैं, मैं वो सब नहीं डाल रही हूँ। मैं इसमें तड़का दे रही हूँ, राई, जीरा, दही में मैंने हल्दी डाली है, मिर्ची डाली है, धनिया, जीरा, ग्रीन हरी मिर्ची, ढोकला रायता। ये अब इसमें बहुत जन नमक और चीनी डालते हैं, और बहुत जन खाली नमक, वो अपने ऊपर टेस्ट के ऊपर है।
दाल मैंने दाल पहले ही बॉईल कर ली है। अब दाल का तड़का करना है, दाल का तड़का दूर ये देना है। एक सेकेंड, ये मैंने तीन दाल मिक्स करके दाल बनाई है, ये तड़का। इतना गरम गरम है ना, इसको मैं कपड़े से इसका चूरमा चूर। और ये जो बाजरी का ढोकला है इसमें भी मैंने घी डाला है और इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ। अब जिसको घी और चीनी और चाहिए वो इसमें से ले सकता है। इधर मैंने घी चीनी सब रखा है। These are the dhoklas what I'm showing. Alternative to the main ingredient in my recipe is, as I made bajra dhokla, mogar dhokla, wheat dhokla and fogla dhokla, we can make jawari dhokla and this thing makkai ka dhokla, also corn dhokla also. And many of the people use soda also or papad khar also in this dhokla to make it softer. But I have not used that thing, I have only used more ghee. I added more ghee to this recipe. What could make a common mistake? If it's not necessary, everyone put the hot water in the dough and less ghee also. If it is very less ghee in this dough, so it will become hard. And little lukewarm water should be put in this jar. Make this recipe special is the love of my family, because everyone likes this.